बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलन विद टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर 10% ऑफ क्यूएच सॉल्यूशन इन लेबॉरेटरी। सबसे पहले हमने क्या करना है, डिजिटल बैलेंस लेना है, उसको आप लोगों ने ऑन करना है। आप लोगों ने उसके ऊपर एक कार्बन पेपर या सिंपल पेपर लेना है, इसके ऊपर आप लोगों ने रखना है। विद द हेल्प ऑफ स्पेचुला आप लोगों ने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का जो क्रिस्टल्स है उठाना है, और स्केल के ऊपर जो आपने क्या लेना है, पेपर रखा था उसके ऊपर आप लोगों ने डालना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोग 10 ग्राम ऑफ क्यूएच क्रिस्टल्स ले सकेंगे। फिर आप लोगों ने उसको उठाना है और उसको आप लोगों ने एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर डालना है। ठीक है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर के अंदर आप लोगों ने डालना है। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसको फिल्ड करना है अप टू 20 to 50 ml ऑफ वाटर आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने डिस्टल वाटर यूज़ करना है। फिर आप लोगों ने उसको शेक करना है ताकि हमारे पास जितनी भी क्रिस्टल फॉर्म है वो डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, आफ्टर दैट आप लोगों ने उसको फिल कर देना है 100 ml तक, ताकि हमारे पास जो 10% के वेज सॉल्यूशन है वो बन सके। इसके बाद आप लोग एक स्टेराइल बाटल लेंगे और इसके ऊपर आप लोगों ने लिड का जो कवर आता है वो भी आप रख सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप सिंपल कॉटन भी उसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, और अब अगर हम बात की जाए यूजेस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, तो ये है कि अगर आप कहीं से भी फंगल स्क्रैपिंग लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर्स हैं, नाइल्स हैं, या हमारे पास स्किन है, तो उसको आप लोगों ने एक ट्यूब के अंदर डालना है और फिर आप लोगों ने क्यूएच सॉल्यूशन डालना है उस ट्यूब के अंदर। अगर हमारे पास स्किन है तो आप 30 मिनट्स तक उसको रख सकते हैं इंक्यूबेटर के अंदर। अगर नाइल्स है या हेयर्स हैं तो उसको आप रख सकते हैं 2 आवर्स तक इंक्यूबेटर के अंदर 37 डिग्री पे। और फिर आप लोगों ने उसको क्या करना है, एक स्लाइड के ऊपर आप लोगों ने उससे एक ड्राप या 2 ड्राप लेना है, उसके ऊपर कवर स्लिप रखना है और 40x पे आप लोग देखेंगे।